चलो मलिंगा। चलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी के साथ ना अपनी गांव की अपनी विलेज लाइफस्टाइल इवनिंग टाइम रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी 4:30 बजे की समय है और मैं यहाँ पे ग्राउंड पे आई हुई हूँ। हाँ, आप सभी देख रहे हैं ना कि मैं कार चलाने के लिए आई हूँ, तो कार चलाने के लिए भी आई हूँ और आप सभी की जो रिक्वेस्टेड वीडियो हो वो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, उसी की यहाँ पे अभी शूटिंग चल रही है। मैं यहाँ पे वही वाली वीडियो की शूटिंग कर रही हूँ। बहुत जल्द ये वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ और इस पर जितने भी कमेंट्स हैं वो मेरे इस वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी लाने के। बहुत सारे मेरे वीडियोज़ अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा और ब्लॉग पसंद आती तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मुझे आप सभी को मेरी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और लाइक बटन ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप अपनी जो कमेंट है वो मेरे इनबॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं आप सभी के कमेंट्स और लाइक से मोटिवेट होकर के इस तरह की वीडियो और भी आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊँ। तो यहाँ पे मेरी वीडियो की शूटिंग चल रही है तो मैं यहाँ पे आवाज़ नहीं डाली हूँ, तो इस वीडियो को मैं बस लेके आने वाली हूँ जल्दी, जहाँ पे आपकी सारी रिक्वेस्ट कम्प्लीट होगी इस वीडियो पर, तो वेट ज़रूर कीजिएगा। तो ये इवनिंग की टाइम है, मेरी यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो चुकी है, मैंने यहाँ पर कर लिया है, एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये दूसरी वाली बाकी है। तो यहाँ पे हो गई है और मैं अपने घर आ गई हूँ, तब तक शाम हो चुकी थी। ये मैं होली में जब अपने गांव गई थी ना तब की मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। पता है मुझे कि थोड़ा लेट हो रहा है, तो लेकिन चलिए कोई नहीं, लेट सही, लेकिन मैं लेकर के आ गई हूँ। बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है अभी, इस वजह से मैं आप सभी के साथ वीडियो बहुत लेट से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाँव में चूल्हे के लकड़ी के चूल्हे पे यहाँ पे खाना बन रहा है और खाना भी बहुत ही फेमस बन रहा है। झारखंड का फेमस ढक्कन डब्बा रोटी बन रहा है जिसे खपर पोड़ो भी कहते हैं और बहुत सारे इसे नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये खासियत ये है ना कि इसमें बिल्कुल भी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चावल से बनते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे होते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसके भी वीडियो मेरे में है तो आप सभी देख सकते हैं, इसकी कंप्लीट रेसिपी है इसकी, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। और यहाँ पे ये देखिए बन के आ गया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डालना है और निकालना है। तो यहाँ पे मेरी देवरानी बैठी हुई है और वही पका रही है, मैं अभी गेस्ट आए हुए हैं तो वहाँ पर बातचीत कर रही हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गया है, तो आप सब भी खा लीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। आप सभी देखे होंगे इस वीडियो को और जानते भी होंगे, तो किस किसने खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे तो अभी गंदगी हो चुकी है और अभी गांव में हैं हम लोग, तो सब कुछ हरी भरी चीज़ें खाते हैं। हरी भरी कहने का मतलब है कि हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। और यहाँ पे वो जो चने आते हैं ना, हरे वाले चने, तो यहाँ पर वो भी आ गए हैं बगान से टूट के और सभी लोगों ने खा लिए हैं। इनके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोगों को भी बहुत पसंद है, तो हम लोग जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पर वही मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, उनके छिलके यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो इवनिंग का टाइम है, मैं ये सारे क्लीन कर दे रही हूँ। उधर खाना बन रहा था तो ये मैं सोची कि ये क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गंदा गंदा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप सभी को पता है कि गंदे घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, घर जैसे भी हो लेकिन क्लीन होने चाहिए। और ये उसी वक्त के बाद जब मैंने वहाँ पे बाहर क्लीन कर लिया है, तब बस यहाँ पे मैं रोटी तो बन चुकी है, ढक्कन डब्बा स्पेशल रोटी बनी है और यहाँ पे मैं सब्जी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जी बनाऊँगी, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सासू माँ है जो कि मटर छील रही हैं और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, मटर आलू की सब्ज़ी। इसके साथ ना रसीली सब्ज़ी अच्छी लगती है, सब लोगों को ना आलू की सब्ज़ी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और अभी ना बगान से टूटे हुए नए नए आलू आ रहे हैं, तो और ज़्यादा
टेस्टी लगेगा, इसलिए सभी लोगों ने बोला कि मैं मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं मटर आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो वही प्याज वगैरह मैं काट रही हूँ। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। तो ये है मेरा गाँव का किचन, आप सभी देखे भी होंगे मेरी कई सारी वीडियो में, नहीं देखे हैं तो आप मेरी ये गाँव की हाउस टूर वाली वीडियो ज़रूर देख सकते होंगे और मुझे बताइएगा कि कैसा है। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत सिंपल सा घर है, बट क्लीन उलीन रहने से सारे घर अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन में हूँ। ये हमारा किचन ना बहुत ही साइड में है, आप सभी जानते हैं मेरे दो आंगन हैं, तो एक पीछे वाले आंगन साइड में है, तो थोड़ा सा अकेला अकेला सा लगता है यहाँ पे खाना बनाना, शहरों की तरह एक अंदर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बस रेडी होने ही वाली है, मतलब अभी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हूँ और मेरी दोनों सासू माँ हैं, बड़ी छोटी दोनों सासू माँ यहाँ पे बैठी हुई है, बातें हो रही है, और मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ। अभी उधर साइड साइड से हो जाता है ना, और गर्मी का दिन है तो सब लोग वहीं पे रहना बैठना पसंद करते हैं, तो वहीं पे। और आप सभी देखिए ना, सब्जी आलू मटर की सब्ज़ी और ढक्कन डब्बा रोटी वो रेडी हो चुका है, सबकी खाना भी लग गई है। मैं रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पे रूम में मैं बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ। उधर शाम में चली गई थी वीडियो शूट करने के लिए, जिसके वजह से मैं यहाँ पे क्लीन नहीं कर पाई हूँ, कपड़े ला करके बस ऐसे रख दिया है। और खिड़की वगैरह मैं सारे बंद कर ले रही हूँ, रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत खेलते खेलते थक जाते हैं, तो वो लोग आएंगे अभी, सब फटाफट सो जाएंगे, तो इसलिए सारा चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे साड़ी कपड़े, बच्चे के कपड़े सारे फोल्ड करूँगी, बेल्ट करूँगी, ये हमेशा सोने से पहले होना ही चाहिए। मैं ये शाम में ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं उधर चली गई थी, जिसके वजह से ये काम मेरा पेंडिंग है। कोई नहीं, अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ। और मैं उसे खाना भी बनाने चली गई थी इस वजह से भी, क्योंकि मैं ससुराल में खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बट अभी मुझे वहाँ पे नेसेसरी पड़ा तो मैं बना रही हूँ, जैसे ज़रूरत होती वैसे मैं करती हूँ। और ये देखिए, जब मैं क्लीन कर रही थी ना, तभी बच्चे भी आ गए थे, और ये होली के पहले वाले दिन की है, होली अभी नहीं आई है, एक दो दिन पहले की है। और बच्चे यहाँ पे ये लेके आ गए हैं, फिचकारी लेके आ गए हैं और खेल रहे हैं। तोड़ दी ना, गया हो गया, खत्म। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी जो इतना देर? बस सबकी खाना वाना हो चुकी थी, तो बस मैं आ गई हूँ रूम में। अब हमारी फैमिली टाइम शुरू हो गई है, गाँव में सब इधर उधर बिजी रहते हैं तो शाम में ही आते हैं, बच्चे भी हमारे भाग जाते हैं इधर उधर, यहाँ से जाते हैं ना तो उन लोगों को आज़ादी सा लगता है वहाँ पे, तो वो लोग सब बाहर ही रहते हैं, बिल्कुल भी हमारे पास नहीं रहते। तो अभी बच्चे भी हैं और सब हम लोग हैं, तो अभी सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए हैं, सोने का समय हो गया। गाँव में सब जल्दी ही सो जाते हैं, 10 बजे 9 बजे, ये सब उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो लोग 8 बजे तक, हार्डली 8 बजे तक तो सो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं, बातें साते कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मम्मा और बेटू की नोकझोंक चल रही है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो जाते ही ना मुझे बिल्कुल भूल जाता है, उसे लगता है कि मम्मा तो है ही नहीं, मम्मा से तो मैं आज़ाद हूँ, मुझे ना डांट पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी। और वो अपनी दादी लोग के साथ हमेशा खेलते रहता है, बकरियों के साथ खेलते रहता है, तो वही मैं बोल रही थी कि तुम मुझे भूल गए हो ना, तो बोल रहा है कि मैं नहीं भूला वो। और ये देखिए गुस्सा होकर के कैसे सर झुका दिया, वो ऐसे ही करता है, जब भी वो गुस्सा होता है ना तो सर झुका देता है, एकदम बड़ों जैसी वाली गुस्सा करता है वो, थोड़ा सा बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते रहता है जब देखो तब। और मुझे हमेशा बोलते रहता है कि नहीं, अब जब मैं दादी घर जाऊँगा ना तो तुम्हें नहीं भूलूँगा, आपको नहीं भूलूँगा, ऐसे ऐसे करते रहता है। और यहाँ पर दिव्यांशी भी आ गई है, जैसे उसे ना अकेला अकेला सा फील होने लगा जब मैं बाबू के साथ खेलने लगी, तो मुझे चिपक के किस करने लगी। बच्चों के साथ ऐसे होते हैं बड़े और छोटे बच्चे, जब मतलब दोनों जब एक जैसे एज के बच्चे होते हैं ना, बहुत कम डिफरेंस होता है, तब ऐसा ही होता है। दिव्यांशी तो बहुत ज़्यादा ऐसे करती थी कि बाबू को छोड़ो, मुझे गोदी लो। और यहाँ पे देखिए वो मुझे सॉरी बोला है और मैं उसे गले लगा ली हूँ, तो इसी तरह का नोकझोंक बस चल रहा है। यहाँ पर के साथ खेलूंगी, थोड़ा स्टोरी सुनाऊंगी, जब मैं हमेशा इतने ना मेरे पास टाइम होता है तो मैं इन्हें स्टोरी सुनाती हूँ, बच्चे भी सुनना पसंद करते हैं और ये सब सो जाते हैं। तो ये सारी है मेरी इवनिंग की रूटीन ससुराल की, एकदम ही सिंपल और
रियल रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा ये रूटीन। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय बोल दो।